अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, है रहा आफियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे, अपने ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द मामलों का खास ख्याल रखे होंगे। आज आपके साथ एक और वीडियो लेके मैं हाजिर हुई हूँ। वीडियो का आगाज़ मैंने किया आज किचन से ही, किचन से नहीं किचन से बाहर से ही कहेंगे, क्योंकि गैस नहीं आ रही तो सिलेंडर से ही मैंने आगाज़ कर दिया। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो में बना रही हूँ वो है बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि आपको पता है बच्चे हमारा ये खाना नहीं खाते, सर्दियां आ जाती हैं, तो ये बच्चों को बना के आप दें और फटाफट से दें, आपके बच्चे झटपट खाना खाएंगे और माँ की टेंशन भी दूर हो जाएगी। ऐसी कमाल की रेसिपी है ये बच्चों के लिए, इससे बच्चों का वेट भी गेन होता है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। जी तो फ्रेंड मैं आज मैं बना रही हूँ चावलों की खिचड़ी, जो कि बीमार लोगों के लिए भी तो होती है पर बच्चे भी बड़ा इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े की ये बनती है। तो देखते जाइएगा पूरी वीडियो और कैसे कैसे बनानी है, पूरे हर एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने कर देना है, क्या करना है आपने, ऑयल को गर्म करना है, उसके अंदर प्याज और लहसुन डाल देना है और उनको फ्राई करना है, भूनना है ब्राउन कलर में, और उसके अंदर नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ये सब चीज़ें मेरी पक चुकी थी, तो मैंने हल्का सा पानी ऐड किया ताकि हमारा जो वो गल जाए अच्छे से लहसुन और प्याज, क्योंकि बच्चों के लिए ये होती है तो बच्चों के लिए हमें एहतियात करनी पड़ती है। इसके अंदर आपने कोई मसाला कुछ नहीं ऐड करना, जैसे जैसे मैं वीडियो देखते जाइएगा क्या कुछ डाला है तो कंप्लीट ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर डाल दी हरी मूंग, जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। बहुत मज़े की ये खिचड़ी रेडी होती है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है और सेहत के लिए भी। तो इसके अंदर हरी मूंग मैंने ऐड कर दी और फिर आपने इसको क्या करना है, हिलाते रहना है, देख सकते हैं इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है। फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, अगर आपके घर में गैस का भी मसला चल रहा हो तो आप इस पर सिलेंडर पे आराम से बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया, पिसा हुआ मेरे पास था, आपके पास साबुत है तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं एक गिलास खिचड़ी बना रही थी तो एक गिलास में आपने दो गिलास पानी ऐड करने हैं, ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना है, हिसाब का पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने दो गिलास पानी के ऐड कर दिए, मिक्स करके रख दिया फिर मैंने उनको, और अब मैं इसको बंद करा रही हूँ। प्रेशर को आपने बड़े ध्यान से बंद करना होता है क्योंकि फटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि आपका प्रेशर, और प्रेशर मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद किया। थोड़ा देख सकते हैं मज़ेदार यूनिक सी खिचड़ी बन के खाने के लिए रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की ये खाने में लग रही थी, और कुबरा ने माशाल्लाह से भर भर के पेट खाई और ये देख सकते हैं इसके दाने। तो ये था इसका फाइनल लुक, और यहाँ पर कुबरा ने खाना शुरू कर दिया था, कुबरा ने बड़े शौक़ से खाई और फिर ज़िद कर रही थी कि मैंने खुद खानी है, और यहाँ पे वो रो रही थी कि मुझे खुद दो, मैं खुद खाऊं। तो ये मज़ेदार सी शॉर्ट सी रेसिपी है, बच्चों को बनाएं खिलाएं ताकि थोड़ी टेंशन कम हो, क्योंकि सर्दियों में बच्चे खाना छोड़ देते हैं तो आपकी टेंशन इससे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द मामलों का खास ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।